आईपीएल मेगा ऑक्शन में टूटेगा इन पांच खिलाड़ियों का दिल, भाव तक नहीं देगी कोई भी टीम। जी हां दोस्तों, स्वागत है आपका। आईपीएल का मेगा ऑक्शन नवंबर के आखिरी हफ्ते में सऊदी अरब में होने वाला है। बीसीसीआई इस मेगा ऑक्शन को एक शानदार आयोजन बनाने की तैयारी कर रहा है, जबकि फैंस यह देखने के लिए उत्सुक है कि उनकी पसंदीदा टीमें अपने स्क्वाड को कैसे तैयार करेगी। सऊदी अरब के जेदा में 24 और 25 को मेगा ऑक्शन का आयोजन होगा। इससे पहले 31 अक्टूबर को टीमों ने अपने रिटेंशन की घोषणा कर दी है, जिसमें कुछ फैसलों ने फैंस को हैरान कर दिया है। हालांकि अधिकांश रिटेंशन और रिलीज अपेक्षा के अनुरूप ही थे। ऑक्शन में कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं, इनमें से कुछ बड़े खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अनसोल्ड रह सकते हैं, उनके ऊपर टीमें बोलियां नहीं लगा सकती है। हम ऐसे ही पांच खिलाड़ियों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जो अनसोल्ड रह सकते हैं। पहले नंबर पर होंगे मैथ्यू वेड। जी हां, ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वेड ने 2011 में आईपीएल में डेब्यू किया था, लेकिन अब तक केवल 15 मैच ही खेले हैं। उनका औसत 13.7 और स्ट्राइक रेट 103 का रहा है। हाल के समय में ऑस्ट्रेलिया के टी20 टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। बढ़ती उम्र और क्रिकेट से दूरी होने के कारण वह अनसोल्ड रह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं केशव महाराज। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें पिछले सीजन में प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के रूप में साउथ अफ्रीका के दिग्गज स्पिनर केशव महाराज को अपनी टीम में शामिल किया था। उन्होंने 2 मैचों में 2 विकेट लिए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी टी20 क्रिकेट के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत में कई लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर मौजूद है, इसलिए महाराज को चुनना फ्रेंचाइजी के लिए एक जोखिम भरा सौदा हो सकता है। तीसरे नंबर पर होंगे सह होप। वेस्टइंडीज के कप्तान सह होप ने हाल के वर्षों में अपने टी20 खेल में काफी सुधार किया है। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें आईपीएल 2024 मेगा ऑक्शन में 75 लाख रुपए में खरीदा था। बारबाडोस के इस बल्लेबाज ने सीजन में 9 मैच खेले और 22 की औसत और 150 के स्ट्राइक रेट से 183 रन बनाए। होप ने इस साल टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के लिए कुछ ही मैच खेले। हालांकि साउथ अफ्रीका के लिए उनकी सीरीज शानदार रही थी, लेकिन हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन विदेशी विकेट कीपरों के लिए नीलामी में खरीदार मिलना मुश्किल होता है। चौथे नंबर पर आते हैं लेजेंड बल्लेबाज। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन इस साल आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रह सकते हैं, क्योंकि हाल के समय में चोटों से जूझ रहे विलियमसन की फॉर्म भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा उनकी उम्र और टी20 क्रिकेट में उनके रिकॉर्ड को देखते हुए फ्रेंचाइजियां उन पर दाव लगाने में हिचकिचा सकती है। न्यूजीलैंड के इस दिग्गज ने गुजरात टाइटन्स के लिए आईपीएल 2024 में सिर्फ 2 मैच खेले थे। उन्होंने 79 आईपीएल मैचों में 2128 रन बनाए हैं। उनका औसत 35 और स्ट्राइक रेट 125 का रहा है। पांचवे बल्लेबाज होंगे अजिंक्य रहाणे। जी हां दोस्तों, दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे इस साल आईपीएल मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड होने वाले सबसे जाने पहचाने भारतीय खिलाड़ियों में से एक हो सकते हैं। मुंबई के इस बल्लेबाज को सीएसके ने आईपीएल 2023 के लिए 50 लाख रुपए में खरीदा था। उन्होंने येलो जर्सी में अपने पहले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था और 172 के स्ट्राइक रेट से 326 रन बनाए थे। रहाणे ने महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम को पांचवा आईपीएल खिताब दिलाने में मदद की थी। हालांकि अगले सीजन में वह फेल हो गए और 13 मैचों में सिर्फ 242 रन बनाए। उनका औसत 20 और स्ट्राइक रेट 183 का था। अब देखना है कि रहाणे को इस बार कोई टीम खरीदती है या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन पांच दिग्गज खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी को आईपीएल 2025 में खेलने का मौका मिलेगा और कौन सा खिलाड़ी होगा अनसोल्ड? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।